आदत अली को बहुत मारती, 22 थप्पड़ तो मेरे कम मारे हैं उसको। सर देखिए आपका सामने अच्छा, आपको विश्वास है, आप कैमरा ला दीजिए, आप चेक करके आइए। नहीं 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 यार, कैसी बात है, मेरी माँ के समान है। वही तो हम कह रहे हैं, क्या बीत रहा है मुझ पे। जो फर्जी कॉल्स आ रहे हैं या मैसेजेस आ रहे हैं उसका एक वहाँ देने गई है CID विभाग। अच्छा अच्छा, तो छानबीन वहाँ से होना है, कौन धमकी दे रहे कि घर में कुछ का सामान तोड़ फोड़ कर। भाई पुलिस एक्शन में है, कोर्ट का संज्ञान में है। इनसे हम लोग को इंटरनेशनल कॉल्स आ रहे हैं, थ्रेट्स, इंडिया से थ्रेट्स आ रहे हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल नंगा करके मारेंगे और तुम्हारे घर में तोड़फोड़ करेंगे। हमने क्या किया वो तो मीडिया में हम लोग दे रहे हैं, कल भी मीडिया में दिए, रोज दसियों फोन आते हैं। जॉब करते हैं? अरे मैं इकोनॉमिक्स हूँ। अच्छा अच्छा, एमए कर चुका है और वो MPhil कर चुकी है, डिग्री उसका आसमान में। नहीं समझ सकती हूँ, आप लोग बिल्कुल क्या हो चुके हैं। अब आप बताइए मैडम, तो मैं कांस्टेबल से इतना ही पूछता हूँ कि आपने मोबाइल क्यों तोड़ा इनका, इतना पूछना उनके तन बदन में आग लग जाती है, चिल्लाने लगते मेरे ऊपर, फिर भी मैं चुप हो जाता हूँ, पूरी घटना समझता, फिर मैं उनसे एक ही पक्ष रखता हूँ कि आपने एक पक्ष को रोका है, दूसरा पक्ष कहाँ है। कहीं नहीं, वो लेडीज़ थी तो इसके लिए मैंने उसको जाने दिया। हमने कहा ये बात तो गलत, आप इनको भी जाने दीजिए। तो हमसे कह लें आप हमें कानून ना सिखाइए, गाली गलौज करने लगे। फिर मैं वहाँ से निकल के बाहर आता हूँ, मैंने कहा आप अपने सीनियर इंस्पेक्टर का नंबर दे दीजिए, मैं नंबर पे कॉल करना चाहता हूँ। तो बाहर से मैंने नंबर ले रहा था तो भाई साहब मनान साहब आते हैं, वो हमको गाली बकने लगते हैं कि तुम फ़ोटो क्यों ले रहे हो, यू क्यों कर रहे हो। मैंने कहा मैं फ़ोटो नहीं, अपना नंबर ले रहा हूँ। फिर वो एक गाड़ी देखते, हम जो गाड़ी ले गए थे SUV, वो देखते हैं उसके ऊपर, वो भड़क जाते हैं कि ये गाड़ी अंदर क्यों खड़ी कर दी तुमने, उसके ऊपर बर्ताव गलत करते हैं। फिर हमसे कहते हैं कि जो तुमने 420 करी है तुमको भी जेल में डालना पड़ेगा। हमने डाल दीजिए, आप बैठा देते हैं रात भर, और रात भर पुलिस वाले अच्छे स्कूल में पढ़ी है तो मुझे ट्रैफिक के रूल्स बचपन से सिखाए जाते हैं, किसी क्लास में नहीं, बचपन से ही सिखाए जाते हैं कि तुम्हें जेब्रा क्रॉसिंग पे चलना है, ये रूल्स को ध्यान में रखना है, तब रोड क्रॉस करनी है। तो मेरी स्कूलिंग ऐसी हुई है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने की ताकत रखती हूँ अगर वो गलत करता है तो, और सुशांत सिंह राजपूत को मारा है अगर तो, और सुशांत सिंह राजपूत को मारा है अगर तो वो गलत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तो मैं बोली थी उनके लिए, ये सेकेंडों में मेरे घर के पास आ गए और तब से लेकर के ये अब तक पूरा सिलसिला शुरू हुआ। किसके पक्ष में थी आप, सुशांत सिंह राजपूत? मैं सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में थी तब से लेकर के अब तक की इन्होंने उस पर अटैक किया है। और बहुत सारी ऐसी चीज है जो मैंने कई कंट्रीज से शेयर करी थी, ठीक है, तो वो मेरा खुद का है कि अगर मेरे देश में कोई गलत होता है, किसी लड़के के साथ गलत होता है, तो मैं दूसरी कंट्री से हेल्प मांगूंगी। तो बस यही बात है कि वो एक सिनेरियो था सुशांत सिंह राजपूत वाला कि ये मेरे पीछे पड़ गए कि तुम आवाज़ क्यों उठा रही हो, तो ये मेरी आवाज़ दबाना चाहते थे, तो उसके लिए इन्होंने सब कुछ किया। और मुझे बहुत खराब लगता है कि अपने देश में किसी भी बच्चे के साथ गलत होता है तो अगर हम उसके लिए बोलते हैं या किसी कंट्री से हेल्प मांगते हैं, ठीक है, तो उस पे हमारे पर ही अटैक होगा। तमाचा चलाऊंगी और कोई अगर मुझे गाड़ी में घसीटने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मारूंगी।